तो दोस्तों, भारत की IITs ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जैसे कि चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस, क्योंकि भारत ने एक नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया है जिसकी मदद से भारत विश्व भर में अपना एक अलग पहचान बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IIT मद्रास के बारे में, जहाँ पर IIT मद्रास ने समुद्र के जल से हाइड्रोजन फ्यूल को अलग किया है। और हाइड्रोजन फ्यूल आने वाला फ्यूचर है, जिसकी मदद से हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि कार, बसेस, यहाँ तक कि प्लेन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बात करूँ मैं हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, तो ये बहुत ही एक्टिव एलिमेंट है, जो कि बहुत फास्ट बॉन्डिंग क्रिएट करके वेरी इजीएस्ट फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ में ये 1 लीटर हाइड्रोजन 5 लीटर पेट्रोल के बराबर होता है। एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ये कोई भी कार्बन इमिट नहीं करता है, इससे सिर्फ और सिर्फ H2O यानी कि वाटर रिलीज होता है। और अगले पॉइंट की बात करें तो सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी ऐसा पानी है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, और ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर पाना काफी बड़ी अचीवमेंट, जिसकी दुनिया भर में कोई शॉर्टेज कभी होने ही वाली नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी अपनी कई स्पीचेस में इसका जिक्र किया है कि IIT मद्रास ने हाइड्रोजन फ्यूल को तैयार किया है, वो भी सी वाटर से। और यहाँ पर बात करें हम टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर ACS सस्टेनेबल केमिस्ट्री इंजीनियरिंग को लगाकर इसको बिल्ड किया गया है, जो कि एक इनफाइनाइट एनर्जी के रूप में भारत में आने वाला है। यहाँ पर हमें सी वाटर को स्टोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जहाँ पर IIT मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हेड अब्दुल मलिक जी कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल एक डिमांडिंग फ्यूल है, जो IIT ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। समुद्री जल एक ऐसा फ्यूल है जो शायद कभी खत्म हो। इसमें लगातार अभी और भी अचीवमेंट प्राप्त कर रही है, ताकि इससे जल्द से जल्द पब्लिक के बीच में उतारा जा सके। तो दोस्तों, ये भारत के लिए वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सभी लोगों का IIT मद्रास के इस रिसर्च के बारे में क्या कहना है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको कॉन्टेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपको किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।